गोंडा में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम के दौरान बवाल हो गया। यहां पर दो गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी और कुर्सियां फेंकी। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम के दौरान ये भिड़ंत। गोंडा में मामूली बात पर ये महासंग्राम छिड़ गया। एक दूसरे पर खूब कुर्सियां फेंकी गई। बेपरवाह, बेहिसाब, कोई रुकने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। दरअसल सेल्फी लेने को लेकर दो प्रधान समर्थकों में मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों तरफ के समर्थकों ने पथराव शुरू कर दिया। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के काफिले पर भी समर्थकों ने पथराव किया। हालांकि बवाल के दौरान सांसद किसी तरह बचकर निकल गए। इधर मारपीट और पथराव चलता रहा। बताया जाता है कि कटरा बाजार विधानसभा के बरबच में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बृजभूषण का ये कार्यक्रम आयोजित किया था। पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने एक बार फिर बृजभूषण शरण सिंह पर हमला बोला है। दोनों ने वीडियो जारी कर बताया है वो अब तक चुप क्यों रहे। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ रेसलर साक्षी मलिक और उनके पति कादियान ने वीडियो जारी कर कहा है कि उनकी लड़ाई किसी सरकार से नहीं बल्कि महिला पहलवानों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ है जो करीब 12 साल से चल रही थी। लेकिन अब तक वो चुप क्यों थी, इसके दो कारण गिनाए हैं। बृजभूषण भी जो है वो रूलिंग पार्टी से ही सांसद है और जो जिन्होंने प्रोटेस्ट की परमिशन ली वो भी जो है बीजेपी के ही लीडर हैं। तो इससे तो ये साफ होता है कि भाई हमारी लड़ाई सरकार के साथ नहीं थी। और हमारे ऊपर दूसरा आरोप ये भी था कि हम इतने टाइम तक चुप क्यों थे। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो एकता की बहुत कमी थी, एक साथ कभी हम हो ही नहीं पाए। और इसका दूसरा कारण तो आप समझ ही सकते हैं कि माइनर जो लड़की। कादियान ने कहा है कि कुछ खाप पंचायतें नाबालिग महिला रेसलर के केस वापस लेने की वजह से उनसे नाराज है, जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। कई खापे जो है वो हमसे नाराज है। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अफवाहों पे ध्यान मत दो। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती भी हुई हो तो हमें माफ़ करो।